रायबरेली जनपद में कमलेश तिवारी हिंदू सम्राट की हत्या के मामले ने बहुत तेजी से तूल पकड़ लिया। जैसा कि आपको बता दे, कल लखनऊ में दिनदहाड़े हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू महासभा के पूर्व नेता और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी उम्र 50 वर्ष की शुक्रवार को दो बदमाशों ने लखनऊ में बेरहमी से हत्या कर दी। उसको लेकर ब्राह्मण समाज व युवा ब्राह्मण मोर्चा राष्ट्रीय परशुराम परिषद के मुन्ना पांडे ने कहा कि मैं इस दुखद घटना की घोर निंदा करता हूँ तथा वर्तमान सरकार से मांग करते हुए कहा कि हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि ऐसा जघन्य अपराध करने की किसी की भी हिम्मत ना पड़े। आपको बता दें, कल कमलेश तिवारी की हत्या दो बदमाशों द्वारा की गई। दोनों बदमाश भगवा कपड़े पहने हुए थे और मिठाई के डिब्बे में पिस्टल और चाकू छुपाकर लाए थे। कमलेश की हत्या की वारदात से अफसरों में हड़कंप मच गया। इस मौके पर मुन्ना पांडे, धुन्नू मिश्रा, नैतिक मिश्रा, अभिषेक वाजपेयी, अनु तिवारी, विकास द्विवेदी, आर्यन तिवारी आदि मौजूद रहे। दादा मुन्ना पांडे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। अच्छा, तो ये किस लिए आपने मीटिंग की है? ये जो हमने बैठक किया है, कल लखनऊ राजधानी में दिन दहाड़े हिंदू हृदय सम्राट कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या गला रेत करके कर दी गई, गोली मार दी गई। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे संज्ञान में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी धारा लगाई जाए कि उनको फांसी की सजा हो। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब सुपारी दी गई थी या किसी को भेजा गया था पाकिस्तान से मारने के लिए? रही बात सुपारी की, मुस्लिम संगठन के लोगों ने 51 लाख रुपये का एक इनाम घोषित किया था। अब हम ये कह नहीं सकते हैं, हो सकता है इसका कोई नाजायज लाभ उठाना चाहता रहा हो, अब जो भी हो। अच्छा, तो इसके लिए, इन हत्यारों के लिए आप क्या इनाम घोषित करना चाहते हैं? हम लोग इनाम नहीं घोषित करना चाहते हैं, लेकिन ये हत्यारों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही हो और इनको फांसी की सजा दी जाए। हम सरकार से यह मांग करते हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार कार्यवाही करेगी और न्याय, हम हिंदू समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को, युवा ब्राह्मण मोर्चा के लोगों को, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के लोगों को न्याय मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए, आपने कहीं इसको लेकर के, इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया है कहीं? हमने अभी ज्ञापन कहीं नहीं दिया है। हम लोग यहाँ बैठ करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, यदि कार्यवाही में विलंब हो रहा है तो हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। और बड़ा संघर्ष अभी तो जनपद स्तर का है, हम लोग प्रदेश स्तर में बैठ करके बड़ा सत्संग करते हैं।